हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम यहाँ दूरपिन पर है, जो कि आर्मी कैंट एरिया। यहाँ दीदी के घर में, एक्चुअली आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि कालिम्पोंग दो पहाड़ों के बीच में, यानी एक जो लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था डेलो, और दूसरा है दूरपिन। दो पहाड़ों के बीच में है कालिम्पोंग टाउन। तो अभी मैं दूरपिन में हूँ, तो अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को कि कालिम्पोंग टाउन किस कैसे दिखते हैं, और साथ ही में डेलो देखिए, जो कि कल का वीडियो में हमने डाला था। सो गाइस, ये जो ऊपर वाला पहाड़, जो कि ये डेलो, उसके बाद ये जितना भी है पूरा कालिम्पोंग टाउन, यानी कालिम्पोंग बाजार एरिया पूरा देखिए। साथ में देखिए नीचे फॉग, तो ये नज़ारा है बहुत ही सुंदर सुबह सुबह का, और यहाँ से हमारा सनराइज हो रहा है। तो अभी ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग बागधारा यानी बाज़ार की तरफ। तो वहाँ थोड़ी देर के रुकते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, और आज क्या जाएंगे हाट, यानी यहाँ पर हाट लगता है यानी, तो बाजार मार्केट। तो मार्केट थोड़ा बहुत घूमेंगे आज, तो देखते हैं मार्केट में क्या क्या नया है क्या नहीं। तो अभी चलते हैं यहाँ से बाज़ार की तरफ। तो गाइस, अभी हम यहाँ जो स्मैन रोड जाने वाला, तो बोलते हैं सात दो बाटे, तो वहाँ पर यहाँ पहुँचाऊँ। तो साथ ही साथ यहाँ पर म्यूनसिपलिटी ऑफिस, जो कि एजिटेशन के टाइम में 2017 में हम लोग यहीं पे ड्यूटी किए थे, तो यहीं पे बैठते दिखा रहा हूँ आपको वो लोकेशन। तो गाइस, यही जगह है, यहीं पे हम लोग पहले उस समय ड्यूटी करते थे, यही एरिया पूरा। देखिए गाइस, रास्ते पे फूल यहाँ पर, जो कि फुटपाथ। सो गाइस, यहाँ के पूरा फ्रेश हो चुका हूँ, तभी मार्केट जाने के रेडी। लेकिन क्या हुआ, तो वेदर अचानक चेंज हो चुका है, तो मेरा ऑपोजिट जो कफे है, तो वहाँ पे क्या है, पूरा काला बादल छा चुका है, और साथ ही बारिश भी होना शुरू हो चुका है। ये गाइस, अभी पहाड़ों में बारिश हो रहा है उस साइड में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी बिजली गरजने का साउंड आ रहा है, लेकिन इस साइड में बारिश नहीं हुआ है जहाँ बाज़ार में अदरवाइज, लेकिन यहाँ पर पूरा घनेरा काला बादल। पानी आया ठंडे सो गाइस, अभी हम लोग बाजार जा रहे हैं दो आंटी के साथ, मामी दो मामी के साथ। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, बारिश शुरू हो रहा है, तो हाथ में छतरी, साथ में हाथ में मोबाइल, तो हिल्स का वेदर ऐसा था अचानक चेंज हो गया। कल तक धूप था बहुत बढ़िया से, लेकिन आज अचानक पूरा सुबह से ही बारिश शुरू। तो गाइस, अभी हम यहाँ बागधारा, जो कि कालिम्पोंग टाउन का मेन रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, जो कि ज़्यादातर 50% इसी बागधारा का पानी पी के अपना जीविका चलाते हैं। तो यही है बागधारा, कालिम्पोंग का प्रसिद्ध वाटर सोर्स, जो कि देखिए हर एक टाइम यहाँ पानी आते रहते, पीने वाला पानी सबसे बढ़िया, और साथ में इतना चिल्ड है यहाँ का वाटर। सो गाइस, अभी हम यहाँ हाट बाज़ार, तो कालिम्पोंग हाट बाज़ार आ पहुँचे, तो अभी यहीं से पूरा भीड़ सभी डंडे मेरे लिए, डंडे के लिए पाई सकते जिला सकते हैं। तो ये कालिम्पोंग बाज़ार डॉक्टर पारस मणि प्रधान एंट्री। अहिले त नचिन्न सक्नुहुन्न देशी घी यहाँ त।
डल्ले खुर्सानी अभी लो अब एक किलो ये बड़े एक किलो चुनते हुए अच्छा अच्छा क्वालिटी का जो कि ले जाने के लिए तो ज़्यादा डल्ले सिलेक्ट करने की वजह से पूरा मासी का हाथ में पूरा जलन हो रहा है तो हाथ में घी डाल के पूरा मासी ज़्यादा तीखा होता है इस वजह से पूरा हाथ घी हो गया थोड़ा लोकल डल्ले ऐसा होता है बहुत तीखा होता है तो इस वजह से जितना चुना था उस वजह से उसका तीखापन यानी हाथ में पूरा लग चुका था तो इस वजह से पूरा चूरा जो ये पीला वाला है जो कि ये बैम्बो रूट का है इसको भी खाया जाता है देसी मशरूम गाइस ये है देसी सब्जी वो भी जंगल में होता है इसको चुनना पड़ेगा और ये लोकल टमाटर है तो आंटी यहाँ पर देसी घी लेते हुए तो आंटी अच्छी तरह से बार्गेनिंग करते हुए दुकानदार के साथ ही अंकल के साथ ही बार्गेनिंग कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से तो ये लाइन पूरा कपड़ा दुकान चूरा सेट भएकोले गर्दा राम्रो हो तो ये सब पूरा हाटघर जब हम यहाँ पर जा रहा है जो कि मर्चा नेपाली में मर्चा आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं मतलब इंग्लिश में भी मालूम नहीं जो कि वो क्या है कि मतलब चावल का जो अल्कोहल बनाने के लिए देसी अल्कोहल बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है जो कि हमारा मामी यहाँ पर ले रही है तर पस बजीको चाहिँ नि अब सेप्टेम्बरदेखि चाहिँ यिनीहरूको जाड मिठो हुँदैन किनभने त्यहाँ यस्तो छ वरिपरि हिउँ हिमाल छ होइन यस्तोमा मर्चा बनिँदछ हिमालको चिसोले गर्दाखेरि यो राम्रो हुँदैन हो अन्त हाम्रो यहाँ पेदुङमा त हमेसा एउटै मौसममा बस्छ नि बिजन ल्याइकन पेदुङमा थाकिदिएको जाड मिठो हुनु भयो त हो कि म तिन दिन बसेँ नि त्यहाँ एक दिन गयो होइन बास बस्यो भोलिपल्ट मर्चा आउँछ दुई दिन भयो होइन पर्सिपल्ट आउँदा त तिन दिन लाग्दछ यहीँ डिजाइन खाकिदिएको भइरहेको छ अन्त नाम चाहिँ पशुपतिको नाम चाहिँ बनिदिने चाहिँ हाम्रै कालिम्पोङमा बनि हुन्छ धन्यवाद अभी बारिश में भीगते भीगते पूरा मार्केट हो रहा है हमारा तभी नीचे के डाउन तरफ जा रहा है लेकिन बारिश कंटिन्यूसली है लेकिन क्या है तब भी आज बहुत ही भीड़ है बाज़ार तो देखिए यहाँ का बाज़ार अभी भी टमाटर सो गाइस आज मार्केटिंग करके पूरा हाट में कालेबुंग हाट वाट घूम के पूरा कंप्लीट
तो घर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक क्या है बारिश ही हो रहा है यहाँ पर, देखिए पूरा बारिश। तो भीगते भीगते हुए आज हमारा मार्केट हुआ। सो गाइस अभी खाना पीना हो चुका है, तो बारिश भी रुक गया, लेकिन अभी देखिए नज़ारा, आप लोग को हमेशा ही पहाड़ का नज़ारा ही दिखा रहा हूँ। तो देखिए गाइस बारिश होने के बाद फॉग ने क्या किया, पूरा पहाड़ को ढकते हुए, यानी कार्जिमुंग बाजार को ढकते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो इतना बढ़िया मौसम हुआ है। तो आज कार्जिमुंग डोमिनोस में एंट्री कर लिया पहली बार, तो अभी हम लोग डोमिनोस में हैं। मेरा पता है अभी बज रहा है शाम का 5, लेकिन अभी भी देखिए नज़ारा, देखिए मेरे ऑपोजिट साइड में जो पहाड़ है बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है साफ। देखिए गाइस सफ़ेद बादल और पहाड़ एक ही साथ। और यहाँ पर ये गली पे ये रोड में जितना भी सब बुद्धिस्ट का सामान ही मिलेगा हर एक दुकान पे। तो देखिए गाइस रात के समय पहाड़ों में सभी जितना भी लाइट जल रहा है ये सब घर है, तो इतना बढ़िया से दिखता है। जैसे मान लीजिए कि आज दिवाली है यहाँ पर, तो पहाड़ों में हमेशा दिवाली जैसा लगता है, क्योंकि एक पहाड़ से दूसरा पहाड़, जो मेरे अपोजिट में हम लोग दूसरा पहाड़ में है, तो ये दूसरा पहाड़ है। साथ ही साथ मून को देखिए कितना बढ़िया क्या तरीके से, अभी थोड़ा बहुत जूम करते हैं। सो गाइस आज मार्केटिंग बहुत बढ़िया हुआ मेरा, साथ ही बारिश में भीगते भीगते पूरा मार्केटिंग किया अच्छा तरीके से। तो जितना भी लेना सामान था सब ले लिया, तो कल परसों के लिए पूरा रेडी हो चुका हूँ। तो साथ ही बारिश में मज़ा भी आया। तो देखिए हमने क्या लेके आया, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो यहाँ का इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, तो इसको अभी ज़मीन में रखा हूँ खुला, क्योंकि बंद करने से क्या हो जाए ये सड़ जाएगा, तो इस वजह से। तो ये रूम में रखा हुआ हूँ, तो इतना बास मार रहा है सेंट, क्या वो सफोकेशन हो रहा है, जहाँ राप आ रहा है जो इसका तीखापन का जो है उसके क्या राप आ रहा है, तो इस वजह से। सो गाइस मज़ा आया आज का पूरा दिन मार्केटिंग करने के लिए। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त, कृपया करके लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूले। साथ ही में जय भारत।